खूबसूरत तस्वीर आपको दिखाते हैं। अयोध्या पहुंच गई है पहली फ्लाइट। पहली फ्लाइट ने लैंड किया अयोध्या में। दिल्ली से अयोध्या पहुंची है पहली फ्लाइट, इंडिगो की ये फ्लाइट, जो बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को लेकर भी पहुंची अयोध्या। और ये देखिए अयोध्या की धरती पर पहुंचने के बाद का ये रिएक्शन, जो लोग पहुंचे हैं इस फ्लाइट के जरिए, वो इस जमीन को, इस धरती को, इस मिट्टी को नमन कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप न्यूज 18 पर देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर। न्यूज 18 की टीम भी इस फ्लाइट के साथ साथ अयोध्या पहुंची है। ये पहली फ्लाइट है, अमित शुक्ला को आप देख रहे हैं। ना हुआ करता था, सही बात है ना, मंदिर भी बन रहा है, एयरपोर्ट भी बन गया जी। फिर तो ये धनुर्धारी का हुआ, आगे डमरू वाले का भी होना है और सुदर्शन वाले का भी। अच्छा। आज हम इंद्रप्रस्थ से अवध की ओर आए, यानी महाभारत से रामायण की ओर गए। अरे वाह, क्या नाम बेटा आपका? गौरी मोदी। गौरी, अभी क्या लग रहा है जबकि अयोध्या की धरती पर ये विमान लैंड हो गया? लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। इस मिट्टी को लोगों ने माथे से लगाया? पक्का लगाया, हमने तो पक्का ही लगाया, बहुत अच्छा लगा। जिस मिट्टी में प्रभु राम ने जन्म लिया, त्याग तपस्या सरलता मर्यादा का संदेश दिया, हम लोग भी आ गए। अब कुछ हम यहाँ से लेके जाएंगे। भगवान श्री राम ने हमें बुलाया है, तभी हम माँ सरयू को मिलने आए हैं। भगवान राम की इच्छा है। सही बात है। हरियाणा से आए हैं भैया, और श्री राम के दर्शन करने का आए हैं, विमान से आए। बहुत बढ़िया। कहते हैं जब तक राम जी चाहेंगे नहीं आप आएंगे कैसे, राम जी ने चाहा तभी तो ये सब यहाँ पर आए हैं राम की धरती पर। अभी जाएंगे उस दिव्य और भव्य मंदिर में, रामलला के दर्शन भी करेंगे। अभी अस्थाई मंदिर में रामलला विराजमान है, वहां पर दर्शन करेंगे। 22 जनवरी वो तारीख होगी जब रामलला गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे, तमाम राम भक्त वहां पर जाकर उनके दर्शन कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले, जबकि आज एयरपोर्ट का उद्घाटन हो गया और ये पहली फ्लाइट यहां पर लैंड हुई है, ये तमाम राम भक्त दिल्ली से हमारे साथ प्रभु राम की नगरी में उतरे हैं, यहां पर आकर पहुंचे हैं, तो उनके मन में जो भाव है और उनके चेहरे पर जो भाव है और अपने शब्दों से जिस तरीके से वो मनोभाव को प्रकट कर रहे हैं, वो सब कुछ हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आगे भी तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे, दिखाएंगे कितना दिव्य और भव्य एयरपोर्ट है। कैमरामैन जगदीश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, आगे वो आपको तस्वीरें दिखाएंगे। दिव्य और भव्य एयरपोर्ट की हर एक झलक हम आपके साथ लेकर आएंगे और जो यात्री यहां से बाहर निकल रहे हैं उनसे भी बातचीत की कोशिश करेंगे कि जब उन्होंने इस नवनिर्मित एयरपोर्ट को देखा तो उनके मन में क्या भाव जगा है, क्या वाकई में मंदिर की झलक इस एयरपोर्ट में वो देख पा रहे हैं। की रिपोर्ट आप देख रहे हैं, एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं अयोध्या धाम, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचे हैं। इस वक्त पहली फ्लाइट लैंड कर गई है, दिल्ली से ये फ्लाइट चली थी, इंडिगो की फ्लाइट, जिसमें भक्तों की संख्या भी थी और साथ ही साथ न्यूज 18 की टीम भी, जो इनके साथ साथ अयोध्या पहुंची है। और अयोध्या पहुंचने के बाद की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है ये एयरपोर्ट, 3 चरणों में इसका निर्माण हो रहा है। पहले 2 चरण की बात करें तो घरेलू उड़ान संभव होंगे और जब तीसरे चरण का काम भी पूरा हो जाएगा तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी यहां से टेक ऑफ और लैंडिंग कर पाएंगी। और उसके बाद अयोध्या की ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, बदलती तस्वीर है ये, बदलती अयोध्या है। और ये एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीरें भी एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। फूलों से स्वागत हो रहा है राम भक्तों का जो दिल्ली से पहुंचे हैं अयोध्या धाम। सब कुछ संभव हो पाया है इस दिव्य और भव्य एयरपोर्ट की वजह से। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री मोदी के हाथों हुआ है, एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ और ये पहली फ्लाइट यहां पर लैंड हुई। पहली फ्लाइट से आए हुए तमाम यात्रियों से हमने बातचीत की, उनका यह कहना था कि ये सपना हुआ करता थे जी, हमने सोचा नहीं था कि कभी अयोध्या में इस तरीके से दिव्य और भव्य राम मंदिर बनेगा, हमने सोचा नहीं था कि कभी यहां पर हम हवाई जहाज से उड़कर आएंगे, हमने सोचा नहीं था कि कभी यहां पर इतना दिव्य और भव्य एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा। त्रेता युग में पुष्पक विमान आया था, इस कलयुग इंडिगो का ये पहला विमान यहां पर पहुंचा है, इस धरती पर लैंड किया है और तमाम राम भक्त इस वक्त उत्साहित हैं, अपने आप को भाग्यशाली मान रहे हैं क्योंकि उन्होंने पहली हवाई यात्रा अयोध्या की है, इसके साक्षी बने, इसके गवाह बने हैं। इस एयरपोर्ट से होते हुए तमाम लोग बाहर निकले हैं, उसके बाद वो रामलला के दर्शन करने के लिए जाएंगे और सभी की जुबान पर एक ही बात है कि ये 500 वर्षों की तपस्या है, ये त्याग है जो आज फलीभूत हुआ है और प्रभु राम की नगरी में आकर उन्होंने इस मिट्टी को अपने माथे से लगाया है और साथ ही साथ दिव्य और भव्य राम मंदिर का वो दर्शन भी करेंगे, रामलला के दर्शन करेंगे, अयोध्या में हो रहे विकास को अपनी आंखों से देख पाएंगे। कैमरामैन जगदीश के साथ अमित गर्ग शुक्ला, अयोध्या, न्यूज 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।
देखिए, जिन्होंने भी वेदों में पुराणों में अयोध्या के बारे में पढ़ा है, अवधपुरी के बारे में पढ़ा है, कितनी भव्य थी अयोध्या नगरी वो जानते हैं। त्रेता युग की अयोध्या, राम की अयोध्या कैसी थी वो पुराणों में दर्ज है। उस अयोध्या को अब कलयुग में है ना, वो पधार रहे हैं। सब इधर नारे नारे लगा लगा जय श्री राम, एकदम कस के एकदम और कस के गाज बराओ, शर्माइए नहीं, गाज बराओ लगा दीजिए और एक बार लगाइए, एक बार और लगा दीजिए। जय श्री राम। क्या नाम, नाम क्या? नेहा भारद्वाज। नेहा जी, आप फर्स्ट फ्लाइट से आई है, क्या कहने चाहेंगे? कहने के मतलब आप देख सकते हो कि कितना एक्साइटमेंट लेवल है, बहुत ही ज्यादा मजा आया। ऐसी फ्लाइट हम लोग काफी जगह ट्रेवल करते हैं, पर जो आज की फ्लाइट का मतलब मजा था वो कहीं हो नहीं सकता। सारे लोग जो भी आ रहे हैं, आप उनके चेहरे पे एक अलग चमक देख सकते हैं, जय श्री राम वाली, कि हम अयोध्या नगरी में आ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा रहा, बेस्ट फ्लाइट। आप शादी के कुछ बता रहे थे? हाँ, मैं ये बता रही थी कि 15 साल पहले मेरी शादी हुई थी और मैं हनीमून से आई थी, तब भी इतनी खुश नहीं थी जितना आज थी कि राम जी की नगरी में आने के बाद। वो जो एक्साइटमेंट लेवल था कि जो मिला है आज आके वो कहीं नहीं मिल सकता, तो ये चीज थी। आइए आइए सर, आइए सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नरेंद्र कुमार बरागी। क्या कहना चाहेंगे, आज पहली फ्लाइट से आप आए हैं? पहली फ्लाइट से आए हैं जी, एक तरीके से विमान से आए हैं। जब श्री राम भगवान या विमान से आए थे, गए थे, तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है अयोध्या के अंदर आने से। ऐसा लगता है कि राम राज आ गया दोबारा से। आज श्री अपने माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी ने दोबारा से एक राम राज को स्थापित कर दिया है, ऐसा महसूस हो रहा है। सबसे पहले जय श्री राम, जोर से बोलो सारे, जय श्री राम। ये पहली फ्लाइट, ये ता उम्र, ये एक एक्सपीरियंस जो है ये याद रहेगा। इतने नारे, जय श्री राम, हनुमान चालीसा का पाठ जो फ्लाइट में हुआ है, एक भाव ही अलग था। जब टेक ऑफ करी फ्लाइट और जब लैंड करी, वो एक भाव अलग था, सब में भाव अलग था। मिकी एयरपोर्ट की एक दीवार पर उकेरी गई आकृतियां हैं। आप देखिए, ये उस वक्त का चलचित्र है जो दर्शाया गया है जब पुष्पक विमान से प्रभु श्री राम अयोध्या की धरती पर उतरे थे और किस तरीके से यहां पर स्वागत किया गया था। आप देखिए कैसे आरती उतारी गई थी, कैसे पुष्प वर्षा यहां पर की गई थी, कैसे ढोल नगाड़े बजाए गए थे। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, कुछ ऐसी ही तस्वीरें आज यहां पर जीवंत हो उठी हैं जब अयोध्या की धरती पर पहला विमान लैंड हुआ है। मैं अपने सहयोगी जगदीश से कहूंगा एक बार बाहर की तस्वीर दिखाएं। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये आज का पुष्पक विमान है, ये आज का पुष्पक विमान है जो इस धरती पर लैंड हुआ है, जिस धरती पर प्रभु श्री राम ने जन्म लिया था और जिस धरती पर त्रेता युग में प्रभु श्री राम पुष्पक विमान से आकर उतरे थे जब लंका विजय करने के बाद वो अयोध्या वापस लौटे थे। आज इसी धरती पर वो सपना साकार हुआ है जो कई वर्षों से लोगों ने देखा था, वो संकल्प सिद्धि में तब्दील हो गया है, जो जिसकी कल्पना लोग बहुत आसानी से कर नहीं पाते थे। कितना दिव्य और भव्य एयरपोर्ट बनाया गया है, आप इन तस्वीरों को देखिए, इसको निहारिए। ये वास्तव में ये सपना हुआ करता था। मैं तब भी यहां पर आया था जब एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा था, जब यहां पर ईंट रखी जा रही थी, जब यहां पर रनवे का निर्माण हो रहा था, और आज निर्माण से उड़ान तक की यात्रा इस एयरपोर्ट ने तय की है। मैंने भी उस यात्रा को बहुत करीब से देखा है, निर्माण से उड़ान तक की इस यात्रा को, और यकीन मानिए कि ये सब कुछ एक सपने के साकार होने जैसा है। कभी बहुत आसानी से मन ये मानने को तैयार नहीं होता था कि ऐसा दिन भी आएगा कि प्रभु राम की नगरी में हम हवाई जहाज से यात्रा करते हुए यहां पर उतरेंगे और रामलला के दिव्य और भव्य दर्शन करेंगे। इस एयरपोर्ट के हर एक हिस्से की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। जगदीश भाई, आप आगे बढ़ते आइए ताकि हम एयरपोर्ट की बाकी तस्वीरें भी दिखा पाएं। आप देखिए, ये बैगेज बेल्ट है जहां से लोगों का सामान आ रहा है। आमतौर पर आप सभी एयरपोर्ट पर देखते होंगे ऐसी व्यवस्था है जहां पर लोगों का सामान इसी तरीके से आता है और लोग अपने अपने सामान को रिसीव करते हैं, यहां पर भी वही व्यवस्था है। इसके अलावा एयरपोर्ट की दीवारों पर खूबसूरत आकृतियां उकेरी गई हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। जो राम भक्त इस वक्त यहां पर पहुंचे हुए हैं, उनके चेहरे पर जो भाव है, जो खुशी है, वो भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले आप एयरपोर्ट की खूबसूरत तस्वीर को देख लीजिए। देखिए कैसे फूलों से यहां पर सजावट की गई है, ये दिव्यता और भव्यता। दरअसल जिस तर्ज पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिस तरीके से उसको दिव्य और भव्य स्वरूप दिया जा रहा है,
कुछ वैसी ही दिव्यता और भव्यता इस एयरपोर्ट को भी दी गई है। और आज जब पहला विमान यहाँ पर पहुंचा है, उस विमान से यात्री यहाँ पर पहुंचे हैं, तो उनको वो अनुभव हो जो त्रेता युग में लोगों को अनुभव हुआ था जब पुष्पक विमान यहाँ पर उतरा था और प्रभु राम लौट कर आए थे, कुछ वही यहाँ पर आकार देने की कोशिश की गई है। ये कभी निराकार हुआ करता था जी, ये खाली जगह हुआ करती थी, ये बिल्कुल लोगों ने सोचा नहीं था कि सब कुछ इतना जल्दी संभव हो जाएगा। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर की नींव रखी थी, उधर दिव्य और भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ और इधर एयरपोर्ट का निर्माण कार्य शुरू हुआ, अयोध्या धाम जंक्शन का निर्माण कार्य शुरू हुआ, इसके अलावा अयोध्या में विकास की तमाम परियोजनाओं को गति दी गई। और आज उसी का असर है कि आप देख पा रहे हैं कि एक नई अयोध्या हम सब यहां पर देख पा रहे हैं। कुछ और कलाकृतियां हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। जगदीश भाई ऊपर से दिखाइएगा आप, देखिए आप ये राम दरबार की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये दरअसल पूरे त्रेता युग को कलयुग में दर्शाने की कोशिश की गई है। जब राम राज्य था तो राम के राज्य में किस तरीके का मनोभाव हुआ करता था, लोगों के मन में कैसी प्रसन्नता हुआ करती थी, वो आप देख पाएंगे। यहां पर रामलला के बाल स्वरूप को भी दर्शाया गया है। उसके बाद जब चारों भाई बड़े रहे थे, वो तस्वीर भी आप देख सकते हैं, जब माता सीता और प्रभु राम का स्वयंवर हुआ था, माता सीता ने उनके उनको वरमाला डाली थी, वो तस्वीर भी आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर एयरपोर्ट की हर तस्वीर अपने आप में कहानी को बयां कर रही है। जगदीश भाई और आगे आइए आप, हम दीपोत्सव की तस्वीर भी यहां पर दिखाएंगे। एयरपोर्ट पर आपको दीपोत्सव की झलक भी देखने को मिलेगी, ये दरअसल राम की पैड़ी की झलक है। ये जो आप दीपोत्सव के मौके पर लाखों दिए जलते हुए देखते हैं राम की पैड़ी पर ना, उसकी झलक भी यहां पर आपको देखने को मिलेगी। ये सब पेंटिंग की गई है। 22,23,000 दिए इस बार राम की पैड़ी पर जलाए गए थे, पूरे अयोध्या में जलाए गए थे दीपोत्सव के मौके पर, और मैं भी उस वक्त यहां पर मौजूद था, मैं भी उस पल का साक्षी बना था। और आज जब एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया है, आज जब यहां पर पहला विमान पहुंचा है, तो आप देखिए यहां पहुंचने वाले राम भक्त दीपोत्सव के उस नजारे को भी यहां पर देख पा रहे हैं। आप देखिए यहां पर फूलों से भव्य सजावट की गई है, ये एग्जिट गेट है। तमाम राम भक्त जो उस विमान से आए हैं, इसी से होते हुए अब वो एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे और उसके बाद प्रभु राम के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ेंगे और उस धरती को देख पाएंगे, उस मिट्टी को चूम पाएंगे जिस मिट्टी पर प्रभु श्री राम ने जन्म लिया था। यहां से हम भी बाहर निकलेंगे अयोध्या में, और क्या क्या बदला है, अयोध्या किस तरीके से खूबसूरत होती जा रही है, कैसे दिव्य और भव्य स्वरूप लेती जा रही है, वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। कैमरामैन जगदीश के साथ अमित गर्ग शुक्ला, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। तो बदलती आधुनिक होती अयोध्या की हर तस्वीर न्यूज 18 भी हम आपको दिखा रहे हैं, न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं। ये अयोध्या नगरी जिसके प्राण तो राम है लेकिन अत्याधुनिक भी हो रही